Hello students, how are you all? Hope you are fit and fine. Myself Sindhu Enayar. Welcome to EVS class, my grade 2 students. Today we will do chapter number 7, kinds of plants, part 1. So are you ready? So first of all, take out your textbook, page number 170. Okay? Here the activity is given there. आपको उसमें उस कॉलम में आपको नेम्स लिखने हर्ब के कितने हर्ब्स के कितने नेम्स हैं, श्रब में कितने प्लांट्स हैं, ट्रीज में कितने हैं, क्लाइंबर्स में कितने हैं. तो वो जो आपको ब्लैंक दिया हुआ है उसमें आपको लिखने हैं. नाउ कम टू द पॉइंट. हियर फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस ट्रीज. सो हियर देखो, तीन ट्रीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नीम ट्री, बनियान ट्री एंड नेक्स्ट इज मैंगो ट्री. सी, ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. ट्रीज जो है वो बहुत बड़े भी हैं और उनका जो जो ब्रांचेस है वो बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, वो हार्ड भी है और वो स्ट्रांग है. उसका जो स्टेम्स है, स्टेम आपको पता चल रहा है ना, स्टेम्स है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसको हम ट्रंक बोलते हैं. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. वो बहुत साल तक भी रहता है ना, हंड्रेड ऑफ ईयर्स वो रहते हैं. सो आपको ट्रीज समझ में आया. नेक्स्ट वी विल गो फॉर श्रब्स. नाउ हियर दिस आर द एग्जाम्पल्स. देखो, रोज प्लांट, कॉटन प्लांट एंड हेन्ना प्लांट. नाउ श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स. वो बहुत स्मॉल प्लांट्स हैं. ठीक है, आपने रोज प्लांट देखे होंगे, वो बहुत छोटे हैं, बट हम उनको टच करते तो वहां पे कांटे भी होते हैं. आपने देखा होगा, फील किया होगा, राइट? उसका जो स्टेम है वो हार्ड तो है बट थिन भी है. आप कभी भी आप रोज प्लांट में आप देखना, उसका जो ब्रांचेस है हार्ड है बट हम टच नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसका उस ब्रांच में कांटे भी होते हैं. तो वो भी कैसा है कि मोस्ट ऑफ देम लिव फॉर फ्यू इयर्स. वो कुछ ही दिन तक रहते हैं. सो दिस आर द श्रब्स. नाउ हियर वी विल स्टडी हर्ब्स. नाउ दिस आर द एग्जांपल्स. फर्स्ट इज राइस प्लांट, नेक्स्ट इज मिंट प्लांट, अनदर इज टोमेटो प्लांट. हर्ब्स में तुलसी भी होता है, राइट? अब देखो, राइस प्लांट है और मिंट प्लांट. व्हाट इज अ मिंट? मिंट मतलब पुदीना. और ये टोमेटो प्लांट है. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, दे आर स्मॉलर देन श्रब्स. हर्ब्स बहुत छोटा प्लांट है, वो श्रब से भी छोटा है. उसके जो स्टेम्स हैं वो बहुत पतला और सॉफ्ट है. ओके, मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. ऐसे हर्ब्स तो बहुत सारे हैं बट उसके जो फ्लावर्स हैं वो कुछ ही महीनों तक रहते हैं. ठीक है, सो आपको हर्ब्स समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइंबर्स. दिस आर द एग्जाम्पल्स, पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन. व्हाट इज मीन बाय पी प्लांट? पी प्लांट का मतलब है मटर, है ना, आप खाते हो ना. नेक्स्ट इज मनी प्लांट, वो तो सबके घर में होता है मनी प्लांट. नेक्स्ट इज ग्रेप वाइन, यस, ग्रेप्स, यम्मी, है ना, सबको पसंद है ना ग्रेप्स. नाउ दिस आर द क्लाइंबर्स. अब सम प्लांट्स हैव अ वेरी वीक स्टेम. ये सब प्लांट्स है ना, उसका जो स्टेम है वो बहुत नाजुक भी है और बहुत वीक होता है. उसको सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है. अभी आपने सभी घर में कैसा होता है कि मनी प्लांट लगा हुआ होता है, वो अपने आप तो खड़ा नहीं रहता, उसको सपोर्ट के लिए रखते हैं. कोई तो क्या है कि उसको बांध के रखते हैं, तो कोई उसके स्टिक उस गमले के अंदर स्टिक रख के उसको लपेट देते हैं ताकि वो ग्रो हो जाए, है ना. So they cannot grow straight on their own. They need some support like a wall, stick or other plants to climb up. So उसको हम क्या बोलते हैं? Climbers. क्या बोलते हैं? Climbers. C-L-I-M-B-E-R-S. Climbers. Some climbers like peas and beans live for a few months. ऐसे सब plants जो है वो कुछ ही महीनों तक ही रहते हैं, है ना? और others like money plant or grape vines live for a few years. ये मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन है, ये कुछ ही साल तक ही रहते हैं. तो यहाँ तक हमारा पार्ट वन खत्म होता है. मीनवाइल नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा फॉर पार्ट टू. ओके, मीनवाइल आप क्या क्या पढ़ोगे? ट्रीज,
shrubs, herbs or climbers अच्छी तरह पढ़ लेना. Okay, see you then, bye. Wait for my next video for part 2.